FasTag. हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग और बढ़िया होंगे। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक नई वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है फास्टैग के ऊपर। तो मैं फास्टैग के बारे में आपको बताने वाला हूँ और मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे फास्टैग वर्क करता है एंड कितना टाइम लगता है। मतलब कि जैसे पहले होता था कि हमें कैश पेमेंट करना होता था, पर्ची कटती थी, फिर बैरियर खुलता था, तो अब कितना टाइम लगता है एंड क्या ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है या नहीं, या और क्या कमी इन चीज़ों में रह गई है, वो सब मैं कवर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं सब कुछ कैसा रहता है। तो गाइस, बात कर रहे थे फास्टैग की। तो फास्टैग आप बहुत जगह से ऑर्डर कर सकते हैं। आपका कोई भी बैंक है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो आप उस बैंक से भी अपना फास्टैग ऑर्डर कर सकते हैं, या किसी दूसरे बैंक से भी जिसमें आपका अकाउंट नहीं है वहां से भी आप फास्टैग यूज़ कर सकते हैं। फास्टैग का एक अलग से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप पैसे डाल सकते हैं। एक अलग ऑप्शन आपके पास है कि आप पेटीएम से ऑर्डर कर सकते हैं। पेटीएम जनरली लोग हर कोई यूज़ करता है, तो पेटीएम से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो कुछ टाइम में वो आपके घर आ जाएगा एंड सीधा वो आपको पेस्ट करना है। मैं आपको लोकेशन भी दिखा दूंगा जहाँ पे वो पेस्ट करना है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे आप कहीं उसमें एक मिनिमम अमाउंट रहता है आपके फास्टैग में, वो हर किसी के लिए वैलिड है, एक मिनिमम अमाउंट रहेगा। उससे नीचे अगर जाता है तो आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपने मिनिमम अमाउंट नहीं रख रखा है एंड आप टोल से क्रॉस करते हो फास्टैग वाली लेन से, तो आपका ब्लैक लिस्ट हो जाएगा एंड उसके बाद आपको या तो कस्टमर केयर बात करके उसमें दोबारा से रिन्यू मतलब फ़ाइन वगैरह पे करके करना पड़ेगा, या आपको नया ही ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने जैसे पेटीएम से ये चीज़ पूछी थी तो पेटीएम ने कहा था कि आपको नया ही ऑर्डर करना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट शायद 100-150 वो ले रहे हैं एक्स्ट्रा, जिसमें वो आपको नया फास्टैग दे देंगे। अब पेटीएम में क्या है, अगर मैंने जैसे पेटीएम से कर रखा है तो पेटीएम में एक अलग सेक्शन आ गया है पासबुक में जहाँ पे फास्टैग के रिलेटेड सारा बैलेंस वगैरह दिखता है एंड जब भी मैं टोल से क्रॉस करता हूँ तो सीधे मेरा अमाउंट जो है वो मेरा वॉलेट से कट जाता है। मतलब अगर मैं फास्टैग वाले वॉलेट से वो कटता है तो वो उधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है ऑटोमेटिकली, कुछ करना नहीं पड़ता, बस मुझे वॉलेट में पैसे रखने पड़ते हैं और वो डायरेक्टली अमाउंट कटता जाता है। तो अब आप लाइव वीडियो देख सकते हैं कि जैसे मैं लाइव वीडियो में, जैसे मैं अभी गया, तो जैसा कि आपने लाइव वीडियो में देखा होगा कि मैं गया एंड मेरा जैसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मैंने विंडो खोली, मैंने पूछा भैया फास्टैग है हमारा, फास्टैग से, तो उन्होंने कहा कि आप निकल जाओ। तो मतलब बहुत ज्यादा क्विक है फास्टैग। मतलब जैसे फॉरेन में है, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब में है, उसमें क्या है कि आपको रुकना भी नहीं होता, निकल जाओ। इसमें आपको थोड़ी स्पीड स्लो करनी पड़ती है, आप 5-10 की स्पीड में आपको वो बोलेगा रुकने के लिए, आपको अभी ये नहीं बोलेगा कि आप कंटिन्यूस खींचते ले जाओ। आप उनसे पूछोगे आपकी स्क्रीन पे, वहाँ जाओ, सामने स्क्रीन है उसमें लिखा आता है ओके, तब आप निकल सकते हैं। अब प्रॉब्लम फास्टैग के साथ क्या हो रही है कि किसी किसी के साथ क्या हो रहा है कि फास्टैग में अमाउंट है, सब कुछ है, उसके बाद भी फास्टैग रीड नहीं हो रहा है। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम मेरे फादर जब लेके गए थे गाड़ी तो उन्होंने यूज़ करा था, तो फर्स्ट टोल के अलावा वो किसी टोल पे कटा ही नहीं बैलेंस, मतलब पैसे कटे ही नहीं। और बहुत टोल पे ऐसा भी हुआ कि फास्टैग में ओके आ गया बट उसके पैसे ही नहीं कटे। तो थोड़ा मुझे इसमें टेक्निकल ग्लिच इसमें बहुत सारे हैं जो कि है एंड मेरे साथ तो ये हुआ कि जैसे मान लो मैं सुबह 9 बजे गया, मेरा पेटीएम से जो पैसा कटा वो रात को 7 बजे कटा है। मतलब इंस्टेंट भी नहीं कट रहे हैं पैसे कि मतलब जैसे आप गए और सीधे आपके पैसे कट गए, वो एक टाइम भी ले रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी बिल्कुल सही करनी बची है, जैसे कि जैसे ही मैं टोल क्रॉस करूँ मेरे पास तभी मैसेज आ जाए कि मेरा बैलेंस कट गया है, क्योंकि ऐसे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि कितना बैलेंस मेरा बचा और कितना पैसा भी मेरा कटता जाएगा। अब मान लो मैं एक लॉन्ग ट्रिप पे हूँ जिसमें मैं 10 टोल से क्रॉस करा है मैंने, तो 10 टोल अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ बार बार तो मेरे पास और रात को एक साथ सबके मैसेज आ रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो, क्योंकि ऐसे तो मतलब मैंने 350 रुपये रखे हैं मगर मेरा टोल उससे ज़्यादा कट गया, तो वो थोड़ा इशू हो जाएगा। और कहीं कहीं नहीं चल रहा है फास्टैग, मतलब वो रीडर्स इतने अच्छे से स्कैन नहीं कर रहे पा रहे हैं, या फास्टैग का इशू है, मतलब जो वो चिप को स्कैन नहीं कर पा रहा है, तो वो एक इशू मुझे लग रहा है। एंड तीसरा इशू जो मुझे ये लग रहा है कि बैलेंस होने के बाद भी वो ब्लैकलिस्ट हो जा रहे हैं, मतलब बैलेंस है प्रॉपर उसके बाद भी एरर आने की वजह से वो ब्लैकलिस्ट हो जा रहा है क्योंकि वो रीड नहीं कर रहा। तो ये इशू मुझे लग रहे हैं। फास्टैग एक अच्छी चीज़ है, कैशलेस हो गया सारा आपका और आप क्विकली निकल सकते हैं। मतलब आपको बार बार, मतलब आपने
कोई भी ट्रिप कर रहे हैं उसमें एक मिनिमम अमाउंट आपने अपने वॉलेट में डाल के छोड़ दिया, अकाउंट में डाल के छोड़ दिए 500 रुपये, एंड आप हर टोल से निकलते हो, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और हर ट्रांजेक्शन पर 2.5% कैशबैक भी आ रहा है, तो एक तरह से आपकी टोल की अमाउंट भी कम हो गई है। अब जो मेन प्रॉब्लम्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी वो मैंने आपको बता दी। एक प्रॉब्लम और इसमें है कि बहुत लोगों ने अभी तक फास्टैग लिया नहीं, एंड वो फास्टैग वाली लेन में जाते हैं, एंड मेनली इसमें ट्रक्स हैं, ट्रक्स सारे कैश से पे कर रहे हैं। जब मैं अभी रिसेंटली मैं जयपुर साइड गया था तो मैंने देखा था कि सारे ट्रक वाले कैश से ही पे कर रहे हैं, एंड वो फास्टैग वाली लेन में, तो उसकी वजह से जो फास्टैग वाले हैं उनको भी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, एंड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। तो ये कुछ चीज़ें जो कि मुझे लगी बुरी हैं। अच्छी चीज़ है कि फास्ट है, आपको बार बार वो स्लिप पेपर सेव हो रहा है कि आपको बार बार आपको स्लिप प्रिंट नहीं करनी पड़ रही है, एंड क्विकली आप किसी भी टोल से निकल सकते हैं, एंड आपके पास एक पॉइंट है, मैं मतलब पासबुक में जाके देख सकता हूँ कि हाँ भाई मेरा इस दिन इतना पैसा कटा था और मैं कहाँ कहाँ से गया था, और किस मतलब पूरा एक मेरे पास एक सिंगल जगह मैं व्यू कर सकता हूँ कि हाँ मैं इतना ट्रेवल करा, मैंने कितना टोल पे खर्च करा, क्या खर्च करा और मैंने कहाँ ट्रेवल, तो वो सब मैं एक जगह ही देख सकता हूँ, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो फास्टैग से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन देती थी। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है फास्टैग में तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड वो मुझे मेल भी कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम में मैसेज करके भी मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए, मैसेज करने के लिए आप लिखिए शिवम गुप्ता व्लॉग्स, वहाँ जाके आपको डिटेल सारी दिख जाएंगी, एंड स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा मेरा नाम, इंस्टाग्राम चैनल का नाम, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, तो वहाँ जाके आप वो देख सकते हैं। एंड आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मैं मिस कर गया हूँ बताना, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब उस चीज़ का दे दूंगा। तो गाइज इस वीडियो को लेता था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे मिलते हैं, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।